प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरजू काजमी जी और साजिद तड़स साहब को, और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि चर्चा करेंगे भारतीय इकोनॉमी पे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मैंने आपको कहा था कि आप इंडियन मूवियां देखते हैं सारा कुछ, लेकिन पड़ोसियों की खबरें नहीं सुनते। पड़ोसियों की खबर है कि $5 trillion की उनकी इकॉनमी हो चुकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट टाइम $5 trillion और एक महीने में उन्होंने सारा मैं बल्कि इसका मेरे पास मैंने नंबर लिखे हैं इसके। हांगकांग के बाद ये चौथे नंबर पर, हांगकांग का तो इन्होंने क्रॉस कर लिया था। इंडिया के अंदर $1 trillion थी जब 28 मई 2007 को सिर्फ $1 trillion थी इकॉनमी भारत की। उसके बाद $2 trillion की हुई 16 मई 2017, 10 साल में $3 trillion की हुई 24 मई 2021 में, और आज आपने देख लिया तो 5वें ट्रिलियन पे चले गए। बल्कि इस पे बल्कि चीजें जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे, G7 में भी पीस समिट में जा रहे हैं, जिसके अंदर आप स्विट्जरलैंड के अंदर ये जिसमें रशिया को नहीं बुलाया खासकर, उस पे भी भारत जाएगा। भारत तरक्कियों में इसमें कोई शक नहीं है। भारत सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी कैंडिडेट है उनके, और जून के पहले हफ्ते तक इलेक्शन भी आपके खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपके भारत की तरक्की। तो मैं जिस तरह बात कर रहा था कि इसको रोकना क्या, उसने बिकम अ रीजनल पावर। दे आर इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका से भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कई चीजों के अंदर, खासकर टेक्नोलॉजी में। आज भी बल्कि मैं बात पढ़ रहा था खबर कि ताइवान से सारे जो चिप मेकर हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, भारत अपनी फैक्ट्रियां लेके जा रहे हैं। उन्हें खदशा है कि शायद अगर चाइना अटैक करे तो उनसे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इस तरह की चीजों में भारत के इंजीनियर, उनके पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड वर्सेज आपने देख लिया है, आप ख्वाजा सरा की मूवमेंट चला रहे हैं। आप दूसरी तरफ है डायरेक्शन आपकी, आप समझ से बाहर है कि कंट्री के अंदर कोई भी इस्लामिक चीज नहीं है, लेकिन डेस्टिनेशन जिहाद है। बड़ी अजीब सी बात, देखिए इस तरह आप करते रहेंगे तो आप कहां पहुंचे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद तड़स साहब का पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आएंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि भारत की बढ़ती हुई ताकत और जिस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है उसको भी डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।